ये नाला का पूरा गंदा पानी है जो रोड के ऊपर बह रहा है। हम लोग यहाँ से स्थानीय निवासी हैं, हम लोग डेली सुबह निकलते हैं घर से फ्रेश होके, कोई गुरुद्वारा जा रहा है, कोई मंदिर जा रहा, सबके ऊपर में नाली का गंदा सीवरेज का पानी और ये पानी सब आ रहा है। महीना से परेशानी है, कपड़ा भी खराब हो जा रहा है, घर जाने में नहीं सक रहे, कपड़ा इतना गंदा हो जा रहा है। कहाँ का पानी निकल रहा है? नाला वाला पानी है, पूरा रोड में आ गया है। 2 महीना से परेशानी है इसमें। 25-30 लाख रुपया खर्चा करके काम किया, लेकिन उसके बाद भी कोई समाधान नहीं हुआ। नॉर्मल अभी जाइएगा ना, सुबह का पानी जो गिरा है उसी में ओवरफुल होकर के पूरा पानी बह रहा है। जूता पूरा भीग गया है, हम लोग को छोड़े और एग्जाम तब दे के आ रहा, बच्चा लोग पूरा इसी यहीं से पार हो रहा है। विशेष करके 1 महीने से आप देख रहे होंगे टिम्पलेट काली मंदिर के पास जो बड़ा गुलचक्कर है उसके बगल में जो है तेलको से साक्षी जाने के क्रम में वो जो नाला है, नाला का पानी जो पूरा रोड में बहता है, और टाटा स्टील के द्वारा बहुत बड़ा काम भी किया वहाँ, बहुत प्रयास किया, लेकिन वहाँ का इंजीनियर फेल है। जो काम करना चाहिए था वो काम नहीं किया। जहाँ से पानी का प्रवेश होगा वहीं पे पूरा कॉयल वगैरह सब लगा हुआ है, उसको ठीक करना चाहिए। और 25-30 लाख रुपया खर्चा करके काम किया, लेकिन उसके बाद भी कोई समाधान नहीं हुआ। और 6 महीना तक सड़क को जाम किया, लोगों को परेशान किया, लेकिन वो समाधान नहीं हुआ। हम टाटा स्टील से भी चाहते हैं कि उसका समाधान हो। हम लोग को वहाँ बुलाए, हम लोग उसको बताएंगे कि कैसे इसका समाधान होगा। वहाँ स्थानीय लोग है, सब परेशान रहा, सब लोग हमारे ऊपर दबाव डाल रहा था। स्थानीय समस्या बराबर उठाते हैं तो आप चलिए हम लोग ऐसा। तो फिर हम लोग बहुत दिन से सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, कई तरह से हम लोग इस बात को उठाते रहे, जिसके का फलस्वरूप यही है कि वहाँ थोड़ा बहुत सफाई हो जाता है, तो फिर उसमें तो समाधान नहीं है। तो इसी के लिए आज हमारे साथ अब हमारे क्षेत्र के लोग भी आए हैं, इन लोग भी बताएंगे। इतना गंदा पानी वहाँ में, मैला पानी भी, जब बगल से कोई आज किनसे मिले हैं? आज हम लोग यहाँ नगर आयुक्त साहब से मिले हैं, कृष्ण कुमार जी से, आश्वासन दिए हैं कि हम बहुत इसका समाधान कराने का प्रयास कराएंगे। उनको सब बताया कि भाई लोग वहाँ मंदिर में नहा धो के जाते हैं लेकिन अशुद्ध हो जाते हैं, बगल से गाड़ी का छिटकावा जो है छिटकता है, आप वहाँ स्पॉट में देख सकते हैं। अभी समस्या भी है, यहाँ आप देख ही रहे हैं, इसमें बताने का कुछ नहीं है। ये नाला का पूरा गंदा पानी है जो रोड के ऊपर बह रहा है। हम लोग यहाँ से स्थानीय निवासी हैं, हम लोग डेली सुबह निकलते हैं घर से फ्रेश होके, कोई गुरुद्वारा जा रहा है, कोई मंदिर जा रहा, सबके ऊपर में नाली का गंदा सीवरेज का पानी और ये पानी सब आ रहा है। इसका ये आज से नहीं है, ये कम से कम मुझको लगता है कि 2-3 साल से यही प्रॉब्लम है। बार बार होता है, टिस्को वाले आते हैं, खाना पूर्ति करके चल जाते हैं, 15 मिनट पानी गिरता है, फिर हम लोग के लिए परेशानी शुरू हो जाता है। में भी इसको टाटा स्टील के द्वारा बनाया गया था। आया है, बहुत बार आए हैं, करते हैं, क्या करते हैं समझ में नहीं आता है। एक बार दो बार आए हैं, जरूर है, आए भी हैं, कुछ करते भी हैं, लेकिन करने का मतलब ये नहीं है। ये जो परेशानी है इससे छुटकारा मिलना चाहिए। यहाँ आप देख सकते हैं कि नाला का पूरा गंदा पानी जो है रोड के ऊपर से, मंदिर है, हम लोग सुबह खुद गुरुद्वारा जाते हैं, यहाँ से लेके निकलते हैं घर वाले को, और पूरा गंदा पानी अपने ऊपर पहले आता है, उसके बाद हम लोग गुरुद्वारा जाके माथा टेकते हैं। मांग कुछ नहीं है, जो कि नागरिक सुविधा जो पहले टिस्को जैसा काम होता था, कि कोई परेशानी होता था तो रात में हम लोग घर जाते थे, सुबह पता लगता था रोड बन गया, गड्ढा हो गया था, उसको भरा गया। लेकिन यहाँ सब कुछ जानने के बाद भी मुझे लगता है कि पिछले 2-3 साल से 2-3 बार वो लोग आए भी हैं, गाड़ी लगा के कभी पानी निकालते हैं, कभी कुछ निकालते हैं, लेकिन समस्या जस का तस है, समस्या का निदान होना चाहिए। पास जो गंदा सीवेज है उसका बहुत ही दूषित पानी जो लोगों को परेशान कर रहा है, आने जाने में लोग, फिर अब दुर्गा पूजा आ रहा है, ये आ रहा है, सार्वजनिक धर्म के लिए भी लोगों का आना जाना वहाँ पब्लिक का है, इसलिए जल्द से जल्द आपसे निवेदन है कि इसको संपादन करें। से परेशानी है, कपड़ा भी खराब हो जा रहा है, घर जाने में नहीं सक रहे, कपड़ा इतना गंदा हो जा रहा है। कहाँ का पानी निकल रहा है? नाला वाला पानी है, पूरा रोड में आ गया है। 2 महीना से परेशानी है इसमें। क्या लगता है किसको? इसको अच्छा से काम होना चाहिए, बनना भी चाहिए, जैसे हम लोग का आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। ऐसे तो अधीक्षक साहब से लेटर दे ही दिया है, अब आगे देखिए टिस्को वाले लोग क्या करते हैं नहीं करते हैं, लेकिन वो जगह एकदम अनिवार्य है। मेन चीज 30-40 वो तो समस्या बहुत पुराना है, 6 महीना उस रोड को जाम करने के बाद भी काम चल रहा था, काम होने के बाद भी फिर वही बारिश में वही का वही। अभी तो 1 महीना तो समस्या का समाधान हुआ ही कहाँ? 1 महीना में कोई काम ही, कोई आया के झांकने तक नहीं आया, कोई नहीं। अभी अगर
नॉर्मल अभी जाइएगा ना, सुबह का पानी जो गिरा है उसी में ओवरफुल होकर के पूरा पानी बह रहा है। तो क्या चीज़ का पानी है नाला? पूरा केबल टाउन का पानी है, बस्ती का पानी है, वो आकर के मेन रोड में जाम हो गया, उसका कोई समाधान हुआ नहीं। तो ये सब चीज़ जो है हम लोग भी चाहते हैं और टिस्को से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि उसका समाधान जो है जितना जल्दी हो करें। एग्जाम लेने आए थे तो इधर तो इतना रोड खराब है कि पूरा हालत खराब हो जा रहा है। अरे रोड से होके नाली बहता है, कहीं भी और कहीं नहीं होता, हम लोग बस यहीं पे हो रहा है इसे कि रोड से होके नाली बह रहा है। क्या परेशानी हो रही है? जूता भी पहने हैं। अरे जूता पूरा भीग गया है, हम लोग को छोड़े और एग्जाम सब दे दे के आ रहा है, बच्चा लोग पूरा इसी यहीं से पार हो रहा है।